मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कई जिलों में और सख्त होगी पाबंदियां, तो कई जिलों में दी जाएगी ढील। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधन के दौरान व्यापारियों से रास्ते पर नहीं उतरने की अपील, कहा उतरना है तो कोरोना योद्धा बनकर उतरो, कोरोना दूत नहीं। महाराष्ट्र में एकदम से नहीं हटाया जाएगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने कहा चरणों में हटाया जाएगा लॉकडाउन, तीसरे लहर का खतरा। परीक्षा पर उद्धव ठाकरे ने कहा 10वीं के परीक्षा पर फैसला हो गया है, 12वीं की परीक्षा पर जल्द करेंगे फैसला। लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर भाजपा विधायक नितेश राणे ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा अब किसानों की तरह व्यापारी भी करेंगे आत्महत्या। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया दिशा निर्देश, अब राज्य में आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलने की छूट। गैर जरूरी सामानों को भी रेड जोन में डिलीवरी की अनुमति, वही कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानों को वीकेंड के दौरान दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति। मंत्रालय को बम से उड़ाने की दी गई धमकी से मचा हड़कंप, जांच में पता चला नागपुर से मानसिक रूप से खराब व्यक्ति ने कॉल कर दी थी धमकी। व्यापारियों से बातचीत के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर भाजपा तय करेगी आगे की रणनीति, भाजपा मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं, फडणवीस बोले ये है महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही। मुंबई में आज आए कोरोना के 1066 नए मामले, वहीं 1327 मरीज हुए ठीक। मुंबई में कोरोना से मौत के आंकड़ों में आई भारी गिरावट, बीते 24 घंटे में 22 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हो रहे हैं कम, तो सरकार को लॉकडाउन में जनता को देनी चाहिए राहत, भाजपा नेता प्रवीण दरेकर का मुख्यमंत्री ठाकरे को सुझाव। संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, पिछले 7 साल में देश में कुछ नया नहीं हुआ, नेहरू के पुण्य कर्मों पर चल रहा है देश। चंद्रकांत पाटिल का संजय राउत को पलटवार, कहा संजय राउत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के सामने बैठे तो बाला साहेब ठाकरे उनके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। थाने में आज आए कोरोना के 144 मामले, 196 लोग हुए ठीक और 7 लोगों ने गवाई जान। कोरोना ने दिया होटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका, लॉकडाउन से 1,30,000 करोड़ का हुआ नुकसान। मीरा भाईंदर में आ जाए कोरोना के 87 नए मामले, वही 3 लोगों ने गवाई जान। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी ने सुशांत के पूर्व डोमेस्टिक हेल्पर नीरज और केशव को भेजा समन, पठानी के गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की बड़ी कार्यवाही। पालघर में साइक्लोन ताउते की वजह से एक जहाज चट्टान से टकराया, गेल कंस्ट्रक्शन के इस जहाज में 80,000 लीटर तेल भरा हुआ है और इससे रिसाव हो रहा है। सरकार गिरने के डर से बार बार बढ़ाया जा रहा है लॉकडाउन, प्रसाद लाड का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। मुंबई करों के लिए बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर से कर पाएंगे मेट्रो 7 और मेट्रो 2A में सफर। महाराष्ट्र में कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस, बीते 24 घंटे में आए 18,600 नए मामले, वही 22,532 मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 402 लोगों की मौत, राज्य में इस समय कोरोना के 2,71,801 एक्टिव मरीज। मुंबई में 5 लोगों को दी गई 60,000 रुपए वाली कॉकटेल दवा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना में दी गई थी एंटीबॉडी कॉकटेल दवा।